बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, पटना में मेट्रो कार्य के दौरान जिन मजदूरों की मौत हुई थी उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि वो 2 दिनों से पटना में है पर उन्हें अभी तक शव नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बीते दिनों राजधानी पटना में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि पटना में मेट्रो कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और इस दौरान कई मजदूरों की मौत हो गई और अब उनके परिजनों ने सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जी हां, राजधानी पटना की तस्वीरें सामने आई हैं। मृत मजदूरों के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि वो 2 दिन से उड़ीसा से पटना आए हुए हैं लेकिन अभी तक उनको शव नहीं दिया गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि परिजनों के साथ साथ हम आपको बता दें कि AISA ने नीट मोड़ पर प्रदर्शन किया। जी हां, तो AISA ने पटना के नीट मोड़ जो है NIT पटना का जो मोड़ है वहां पर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप पहले वो सुन लीजिए। हमारा लाश गायब है, हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हमको कोई जो उसका मेरा जो जीजा मरा है उसका भरपाई कौन करेगा? उसका 2 छोटे-छोटे लड़की है, उसका बूढ़े माँ बाप है, वो तो कमाने वाला चला गया, उसका लाश भी अभी तक हमको मिला नहीं। हम कहाँ से कुछ कैसे गुजारा करेंगे और उसका खाना पीना उसका कैसे उसका गुजारा कैसे मिटेगा? उसका लाश गायब है सर, 3 दिन से लाश बड्डी गायब है। हमको बड्डी नहीं मिला कि कौन सी संतनामूलक कोई प्रतिशोध भी नहीं दिया, कोई कंपनी का कर्तृपक्ष नहीं है या कि वो जो ठेकेदार है बीरेन्द्र जी नारायण स्वाई जो ठेकेदार है वो ठेकेदार भी अभी तक नहीं आया या नहीं पहुँचा। क्या जी, हम उड़ीसा से आए हैं। क्या नाम हुआ सर? नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। वो जो नाम आपका नाम है? मेरा नाम है कृष्णा, उसका जो मारा है मेरा जीजा है विजय कुमार बेहरा, उसका साला हूँ मैं। जबरदस्ती लोगो पर कम जो मशीन होता है उसके नीचे भेजा काम करने के लिए और उसका जब ब्रेक फेल हो गया उसके नीचे में दब करके 3 मजदूर की मौत हो गई और एक कंपनी लाश को गायब कर दिया गया। उनकी पत्नी आई है उड़ीसा से, उनका भाई आया है जब लाश के लिए, ये लोग बोल रहा है आपका लाश भेज दिया गया लेकिन जिनका लाश है उनको लाश अभी तक नहीं मिला है। हमारा मांग है जो मृत परिवार का जो पत्नी है उनको लाश दिया जाए कम से कम, बाकी जो ये गुंडा पठा के एलएनटी कंपनी रखा है गुंडागिरी कर रहा है बिहार में इस पे सरकार अविलंब कार्रवाई करे। हमारा स्टेट का बिहार पुल निर्माण निगम कॉरपोरेशन है बिहार सरकार का, ये समाजवाद का चोला ओढ़े नीतीश कुमार और समाजवादी नेता बिहार के मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा है। ये सारा प्राइवेट कंपनी को दे के यहाँ पे गुंडागर्दी खड़ा कराया हुआ, 3 दिन से मजदूर परेशान है, कोई सुनने वाला इन लोगों का नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जो मजदूरों का हित का बात करता है पैर धो के पीता है, एक ट्वीट नहीं करता है मजदूरों की मौत पे, ऐसे ऐसे लोग हमारे सत्ता पे बैठा है। हमारा सिंपल सा मांग है आप मृत परिवार को लाश सौंप दीजिए और इस वर्क पैलेस पे मजदूरों की सुरक्षा की आपको जिम्मेवारी लेनी होगी। बार बार नीरज यादव कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट नेता पटना विश्वविद्यालय। तो सुना आपने परिजनों द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, बीते दिनों जो तस्वीर सामने आई थी उसमें अब आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय और गांधी मैदान के बीच जो रास्ता पड़ता है उसमें टनल खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें मजदूर की मौत हो गई। जी हाँ, कई मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है और अब परिजनों ने सड़क पर उतरकर हंगामा करना शुरू कर दिया। AISA ने नीट मोड़ पर हंगामा किया है, प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। वहीं परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें अभी तक शव नहीं दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा दें, बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पटना NIT मोड़ पर जो मृतकों के परिजन है वो आ गए हैं और उनके साथ AISA ने भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अभी तक उनको शव क्यों नहीं दिया गया है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे Facebook, Instagram और Twitter पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।